ना किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। गुनाह के दौरान मौत न आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिल जाना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। जब तुझे नेकी करके खुशी हो और बुराई करके पछतावा हो तो समझ ले तू मोमिन है। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। जिस मामले को अल्लाह के सपुर्द कर दिया हो उस पे बार बार सोचना भी ईमान की कमजोरी है। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कजा भी कबूल हो जाती है, सारी बात नियत की होती है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों का दर्द चुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं। अगर हालात पर आपकी गिरफ्त मजबूत है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, जिस दिन जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जुबान से निकली हर दुआ कबूल होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती।